हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने इसे अनबॉक्सिंग किया था, ठीक है। तो ये था वो, यहाँ पर पीछे में इरेजर था, और मैं बताने वाला हूँ इसमें लीड भी कैसे डालना है। तो इसका यूज़ कैसे है ये बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्केच बनाया था, तो इसका मैं दिखाने वाला हूँ इसमें यूज़ करके। देखो, पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोल इसके जो चश्मे हैं इसमें आउटलाइनिंग करने, ठीक है, आउटलाइनिंग करने पर ये हेल्प करता है। जैसे इसके चश्मे पे मैं आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, ये एकदम बारीक बारीक जगह पर आउटलाइनिंग करने पर मदद करता है। अब मुझे इस एरो पर शेडिंग करनी है। और हाँ, मेरे पास ये मैकेनिकल पेंसिल है, तो मैं करूँगा तो सारा लाइन सेम आएगा और सेम टाइप का आएगा, ना ही ज़्यादा पतला होगा ना ही ज़्यादा मोटा होगा। देखो, एकदम सेम है। अगर आप वो पेंसिल करते हैं जो कि सभी यूज़ करते हैं, वुड पेंसिल, तो उससे क्या होगा, अब शार्प करोगे पहले ऐसा ही होगा, लेकिन फिर करते करते वो मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ये यूज़ कर रहा हूँ मैं मैकेनिकल पेंसिल का। और ये तो पहला यूज़ है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया दो यूज़, कि एक हम लोग बारीक बारीक जगह पर आउटलाइनिंग कर सकते अच्छा से एकदम, और हम लोग को लाइन अगर ड्रॉ करना हो तो हम लोग अच्छे से लाइन कर सके। ये एक देखो, सब सेम है, उतना ही पतला है, उतना ही मोटा है, उतना ही डार्क है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब बताता हूँ कि इसमें